तो हाजिर हैं हम आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेके हिंदी का। जी हाँ, पर आज के प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हैं वो हैं 30। आज हम करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके उन सभी एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी आती है, चाहे वो यूपी लेवल के हों या यूके लेवल के हों, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, जेल वार्डन हो, सभी के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट, चाहे फिर यूपी टेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट करने से होगा ये कि आपका नींव मजबूत हो जाएगी हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए और आप ला सकते हैं पूरे में से पूरे नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे फिर प्रतियोगिता कोई सी भी हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, मितभाषी, ठीक है, लिखा है मितभाषी। यहां पर आपको विलोम शब्द का चयन करना है। किसका? विलोम शब्द का, विलोम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। आइए देखते हैं कि क्या है मितभाषी का विलोम क्या होगा, मूक, वाचाल, सौम्य या स्वच्छंद। तो यह होगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है ज्यादा बोलना, मितभाषी का मतलब होता है कम बोलना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा है लौकिक, लौकिक का विलोम बताना है, आध्यात्मिक, सांसारिक, पारलौकिक या स्वर्गिक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लौकिक का आंसर होगा, विलोम होगा। तो ये विलोम है पारलौकिक। ये क्वेश्चन लिटरली कई बार देखने के लिए मिला है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लौकिक का विलोम होता है पारलौकिक, लौकिक पारलौकिक, लौकिक पारलौकिक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है प्रभु, अब प्रभु का विलोम बताना है क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों में विलोम शब्द हैं। प्रभु का खेद, वेदना, दुख या भृत्य। तो प्रभु का होगा भृत्य। काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखने के लिए आमतौर पर नहीं मिलता है, प्रभु का है भृत्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रभु भृत्य, विलोम शब्द याद कर रहे हैं या सॉरी याद नहीं कर रहे हैं, विलोम शब्द है आज ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। लिखा है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ, अफसर, प्रवर या फिर अनुज। तो ज्येष्ठ होता है बड़ा और कनिष्ठ होता है छोटा, ठीक है, इन दोनों की वैकेंसी भी निकलती है, ठीक है ना, क्लर्क की, ठीक है। तो 4 का ए, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा है शाश्वत, शाश्वत का विलोम बताइए, मृत्यु, मृत्य, क्षणिक या फिर नश्वर। और इसका सही आंसर है नश्वर। जी हाँ, शाश्वत का नश्वर, नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा है संपत्ति, ये भी काफी आता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी देखने के लिए मिलता है, मैं बिल्कुल लिटरली बताता चलूंगा जिससे कि आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाए। देखिए वीडियो को कई बार बच्चे थोड़ा देख के स्किप करते हैं, ना करें, देखें, आदत डालें, मन मार के भी आदत डालें, क्योंकि यही आज की आदत आपको आगे चलकर मजदूरी करने से बचा देगी। विश्वास कीजिए, बिल्कुल मजदूरी करने से बचाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी आज आलस करते हैं या थोड़ा सा भी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं तो आने वाला भविष्य आपका अपने ऊपर होगा कि आपको मजदूरी करनी है, फैक्ट्री में पैकिंग करनी है, यही होता है फैक्ट्री में। ऐसे नहीं जाकर बाबूजी की कुर्सी पर बैठा देंगे कि आगे साहब जी बैठो। तो भविष्य आपका अपना है, या तो आज की मेहनत कीजिए या फिर भविष्य में आप मजदूरी वाले कामों को चुन लीजिए, ठीक है ना। आइए आते हैं वापस, चौका बर्तन लड़कियों के लिए, ठीक है। चलिए संपत्ति का होगा दरिद्रता, विपत्ति, दैन्य या दीनता। तो इसका विलोम होगा विपत्ति, संपत्ति विपत्ति, संपत्ति विपत्ति, ये याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखा है धिक्कार किस प्रकार की संज्ञा है, धिक्कार किस प्रकार की संज्ञा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, एक अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है धिक्कार किस प्रकार की संज्ञा है, तो धिक्कार एक भाववाचक संज्ञा है, फीलिंग वाली बात आ जाती है, धिक्कार फीलिंग है ना, कि धिक्कार है उसकी जिंदगी पर, ऐसा करके बोल देते हैं ना, तो ये भाववाचक संज्ञा में आपका आएगा और आपने अभी सही आंसर लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है मुख चंद में कौन सा समास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके जरूर दें कि क्या होगा मुख चंद का, तो इसका है कर्मधारय समास, मुख के समान चंद, क्लियर है।
चंद्र के समान मुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है व्यक्ति पत्र कहलाते हैं। देखिए आजकल आपको मालूम होगा कि हिंदी के पोर्शन में पत्र से भी क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और पहली बार आए हैं तो फिर तो सब्सक्राइब करने में कैसी शर्मिंदगी। नीचे रेड है सब्सक्राइब में लिखा है, क्लिक कीजिए ब्लैक हो जाएगा, और आनंद उठाइए ऐसे अच्छे वीडियो का। तो व्यक्तिगत पत्र का या क्या कहलाते हैं, घरेलू पत्र, प्रशासनिक पत्र, कार्यालय पत्र या ये सभी? तो ये पत्र होते हैं आपके घरेलू पत्र। व्यक्तिगत पत्र कैसे पत्र होते हैं बच्चों? घरेलू पत्र ये आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, ओके आया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पहाड़ से चट्टान टूट पड़ी वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देखो क्या है, से और को से कौन से भाव में? अलग होने के भाव में है। तो अलग होने के भाव में कौन सा आता है भैया? संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण? तो आता है अपादान कारक। कौन सा है? अपादान कारक। तो क्या आंसर होगा? 10 का सी लगाएंगे आप। सबको क्लियर होगा, ये तो कई बार चर्चा में हो भी चुका है। चलते हैं 11 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 11 से 20, निम्नलिखित प्रश्नों के अशुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। देखिए आज अशुद्धि बहुत ज्यादा है देखने के लिए मिलने वाली है। आइए चलते हैं प्रॉपर तरीके से और समझते हैं एक एक करके हर एक को कि कितनी कैसी कैसी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अशुद्ध के रूप में आपको कोई एक शब्द चुनना है जो अशुद्ध है, मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है। अद्भुत, व्यथा, व्याकरण, आशीर्वाद। तो जो ये सी है, ये देखिए, ये आशीर्वाद गलत लिखा है, ये आशीर्वाद लिखा हुआ है। समझेंगे, जैसे कि एक नाम होता है शर्मा, क्या होता है? शर्मा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ये शर्मा, देखिए शर्मा में रा कहाँ लगा है? माँ के बाद, लेकिन रा बोला कहाँ जा रहा है? माँ से पहले बोला जा रहा है शर्मा। तो इसका मतलब ऊपर वाला रा जिसके भी ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले पढ़ा जाता है। अब देखो ये रा कहाँ लग रहा है? शय पर, तो शय से पहले पढ़ा जाएगा। पहले पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद, क्योंकि जिसके ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले पढ़ा जाता है ना। तो सही आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से आशीर्वाद कुछ ये लिखा जाता है। और ये लिटरली आप किसी से लिखवा के देखना, मोस्टली बच्चा इसे आज भी गलत लगता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बार अपेयर हुआ है एग्जाम के अंदर। फिलहाल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। आपको बताना है फिर से गलत कौन सा है, क्योंकि 11 से 20 तक यही बताना है। उज्ज्वल, स्वयंवर, वैदेही, परीक्षा। तो इसमें जो गलत है प्यारे बच्चों वो है उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल के अंदर दोनों ज छोटे आते हैं, याद रखना। और यहाँ पर एक ज कैसा है? बड़ा बना हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है श्रीमान, दुख, गांधी, उषा। फिर से देखेंगे, श्रीमान, दुख, गांधी और उषा। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्यों गलत है ऑप्शन नंबर डी, एक बार कमेंट में जरूर बताना, मैं नहीं बताने वाला। ये गलत क्यों है, इसमें क्या गलती है, बिल्कुल फाइंड आउट कीजिए जहां से भी कर सकते हैं और बताइए गलत हुआ है तो है क्यों। उषा सही तो लिखा है ऐसा लग रहा है, पर गलती क्या है इसके अंदर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है संबंध, प्रसाद, पिशाच, शूर्पणखा। तो आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है, क्योंकि 11 से लेकर 20 तक ये बताना है कि गलत शब्द कौन सा लिखा हुआ है। अब फिर से देखो क्या था, शूर्पण रखा, तो रा बाद में आएगा लेकिन यहाँ पा के ऊपर रा लगा हुआ है। तो कौन सा गलत है आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और देखते हैं कि क्या है 15 में। लिखा है निसंतान, स्वास्थ्य, दुष्कर्म या व्यंग, कौन सा गलत है जरा बताएं। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करें, आराम से देख कर बताएं। निसंतान, क्योंकि देखिए ये चीज बड़ी पकड़ में है। आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वर्तनी कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा शब्दों का चयन कर पाते हैं, ये कितना अच्छे से आपने हिंदी को पढ़ा है। आइए देखते हैं, निसंतान, स्वास्थ्य, व्यंग और दुष्कर्म। तो इसमें अंक की बिंदी नहीं आती है, सही ऑप्शन है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है 16 में स्वर्गीय, अंत यात्रा, इकलौता और निर्गुण। स्वर्गीय, अब देखिए ये स्वर्गीय ही गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? गलत लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसका आंसर है
ए, ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ें कैच करनी है। मैं आपको जब वर्तनी सिखाऊंगा तो उसके अंदर हर चीज़ सिखाऊंगा, कोई गलत है तो क्यों है और कैसे उसे सही करें और कैसे इसे पकड़ें। फिलहाल प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा लंबा करेंगे तो लंबा ही जाएगा। चलते हैं 17 की तरफ और लिखा है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। चलिए, शताब्दी प्रमाणिक आरोग्य निरोग, सभी सही है, आरोग्य सही है, निरोग सही है, शताब्दी भी सही है। तो कौन सा गलत है? प्रमाणिक, प्रामाणिक होता है, ये लिखा है प्रमाणिक, तो सही क्या है? आंसर क्या है आपका? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 18 की तरफ, लिखा है क्षत्रिय मूर्छा चिन्ह या उत्पत्ति, तो बताइए कि कौन सा इसमें से गलत लिखा है? 3 सही 1 गलत, और वो गलत है चिन्ह। चिन्ह इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो किस तरह से लिखा जाता है सर चिन्ह? फिर से एक सवाल, कमेंट में आंसर दे। छोटी छोटी चीज़ है, ये ना सोचे कि मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लास में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो फिलहाल आप पता करने की कोशिश कीजिए कि चिन्ह गलत क्यों है। नंबर 19 लिखा है अहिल्या अनुसरण आदित्य और अध्ययन, बताइए इसमें से कौन सा एक गलत है? अहिल्या अनुसरण आदित्य और अध्ययन, इसमें जो गलत है वो है अहिल्या। कौन सा है गलत? अहिल्या। आप जरूर बताना आज कितने सही हुए, क्योंकि आज भी कम सही होने वाले हैं बच्चों के, आधे बच्चों को वर्तनी का तो बाब ही नहीं पता कि वर्तनी कैसे होती है, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और लिखा है कालिदास उपलक्ष्य अनुग्रहित और अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार नहीं होता, फिर क्या होता है? फिर से सवाल आप ही को बताना, होता क्या है? फिलहाल मैं तो वर्तनी की क्लास में ही बताऊंगा, ऑप्शन नंबर सी फिलहाल सही आंसर है, मतलब ये तीनों सही लिखे हैं और ये गलत लिखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और लिखा है देखते हैं 21 से 30 क्या बताना है? निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन करें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, चलिए करते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र, अच्छा कुछ हो रहा है, दीवारों पर बने हुए चित्र क्या कहलाएंगे? क्या कहेंगे दीवार पर बने हुए चित्र को? कूट चित्र, भित्ति चित्र, भित्तिका या स्तंभ कला? बहुत ही जानदार क्वेश्चन, इसे कहेंगे भित्ति चित्र। दीवारों पर बने चित्र को क्या कहेंगे? भित्ति चित्र। नहीं सुना होगा, पहली बार देख रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, लिखा है बिगड़ा हुआ शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द आरोह अपभ्रंश अवरूढ़ या अपराहण, तो यह है अपभ्रंश। किसका बिगड़ा हुआ? ये बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का, समझ रहे हैं ना? अगर क्रम याद होगा तो बिगड़ा हुआ शब्द कौन सा है? अपभ्रंश। 22 का बी। 23 पर चलते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, सौभाग्यहीन स्त्रैण या पुंशचल, तो उसे कहते हैं विधुर। लेडीज होती है विधवा और पुरुष होता है विधुर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 24 की तरफ, मजा आ रहा है या नहीं बिल्कुल बताएं, और क्लास अच्छी लग रही है तो तुरंत से पहले लाइक करें और पढ़ते रहें बस। कम बोलने वाला वाचाल, कृपण, अल्पभाषी, मितभाषी, इसका आंसर तो पहले क्वेश्चन में मिल गया था आज, तो क्या आंसर है? मितभाषी, कम बोलने वाला, वाचाल होता है ज्यादा बोलने वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और लिखा है 25 में युद्ध की इच्छा रखने वाला मुमुर्षु, युयुत्स, जिजिविषा, युद्धाकांक्षी, तो इसे कहते हैं युयुत्स। क्या कहते हैं? युयुत्स, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोस्टली ये क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, शांति की इच्छा रखने वाला, शादी की इच्छा रखने वाला, मिठाई की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ से इच्छा रखने वाला इस वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये किसी भी बुक में आपको एक साथ मिल जाते हैं। वैसे जब मैं कराऊंगा तब भी मैंने एक साथ जरूर रखूंगा, जब ये कराऊंगा तब। उससे पहले अगर आपने हिंदी की सारी क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ देखें, यही तो वो पोर्शन है जो मजबूती प्रदान करता है, एक एक नंबर के लिए फाइट करने से मजबूर करता है। चलते हैं 26 की तरफ, देखिए बहुत ही ज़्यादा आज गर्मी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लग रही है। देखते हैं दूसरों की बात सहन करने वाला, दूसरों की बात सहन करने वाला सहिष्णु, उदार, सहृदय या फिर कृपालु, भैया वो होता है सहिष्णु, जो दूसरे की बात को सहन कर लेता है और कर लेनी भी चाहिए,
तो दूसरों की बात को सहन करने वाला सहिष्णु। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो, इसका काम निकल गया हो, व्यर्थ, परिसीमन, कालातीत, अनुपयोगी, क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे अनुपयोगी। क्या कहेंगे? अनुपयोगी। क्लियर है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 28 लिखा है, पति पत्नी का जोड़ा युगल, वामांगी, वैवाहिक या दंपत्ति, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आता भी है, सबका लगा देते हैं, सब ज्यादा चिंतित नहीं है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति। 29 लिखा है, पसीने से युक्त, स्वेदित, संवेदित, स्वादित या स्वेदित, तो इसे कहते हैं स्वेदित। क्या कहते हैं? स्वेदित। स्वेदित, पसीने से युक्त, स्वेदित, बहुत ही न्यू और अच्छा है, कब मिलता है देखने के लिए, पर आ जाए तो एक नंबर ले जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30, सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी, प्रियदर्शी, ईश्वर या दूरदर्शी, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, समदर्शी। तो ये थे आज के आपकी टॉप 30 क्वेश्चन, जहां आपने सीखे होंगे कुछ अच्छे शब्द, कुछ अच्छा पैटर्न। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।